नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल और वीडियो भंडार फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। भाई आप लोगों को ना सत्यवान ने चैलेंज करा था भाई, इस पर इंजन रखूँगा 4 सिलेंडर और 100 HP के करीब इसने लेकर जाएंगे ट्रैक्टर में और सारा शो के अंदर। तो आज ये ट्रैक्टर भाई ने इंजन इसमें रख दिया तो मैं पूरा दिखाऊंगा आप लोगों ने, इसकी चला के परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा, थोड़ा ग्राउंड पे हल्की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा क्योंकि अभी इसमें ना कुछ छोटे मोटे काम बाकी हैं। तो वीडियो इसलिए बना रहे हैं भाई ताकि आप लोगों को दिखा दे किस तरीके से कैसे क्या इन्होंने कराया इसके अंदर पूरा, और क्या किस तरीके क्या क्या गारंटी रहेगी भाई की, कितनी लंबाई चौड़ाई बढ़ी है ट्रैक्टर, सारी चीज़ बताऊँगी इसमें। तो चलो एक बार बात कर लेते हैं रफेल संजय सत्यवान था भाई। सत्यवान भाई नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब अपना इंट्रोडक्शन दे दे। भाई साहब नाम सत्यवान, गांव में लाना सोनीपत। वर्कशॉप अपनी कहाँ है? वर्कशॉप है भाई सूर्य टेक्निक गैराज के नाम से, मिलाने रोड पर सोनीपत। तो एक चीज़ बता, जो मान लेते कही जिसा कही थी वो इंजन दर दिया, HP का इंजन है यो भाई, इसका 105 HP का जा रहा है। 105 HP का इंजन जा रहा है। अच्छा। किसान की डिमांड थी भाई 90+ होना चाहिए, 105 HP इंजन है, नॉन टर्बो। नॉन टर्बो भाई, टर्बो रखे पीछे तो और बुरा हाल करेगा। टर्बो रखे पीछे यो इब बुरा हाल करना है, टर्बो लगे पीछे तो पाड़ देगा क्या ने। अच्छा। इसमें जो ट्रैक्टर इंजन रखा है यू पूरा जो रखते टाइम तो किन किन चीजा जो चैलेंज रहा था इसमें, सबसे बड़ी समस्या की थी, प्रॉब्लम की आई थी? सबसे बड़ी समस्या भाई इसका ज्वाइंट करने में आई थी। अच्छा, ज्वाइंट बनाने में, बीच में यहाँ ज्वाइंट करने में, ज्वाइंट करने में। अच्छा, या प्लेट बनानी पड़ी है? हाँ, जैसे हम फिर टॉप सपोर्ट भी हैवी लगावा है। अच्छा, टॉप सपोर्ट गियर बक्सा खोल गए, कुछ एक आधी गरारी चेंज करनी पड़ा हमने गियर। अच्छा अच्छा। हाँ, ताकि बुजुर्ग आगे आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो। उसने थोड़ी स्पीड भी बढ़ाई है भाई इसकी। अच्छा, ट्रैक्टर स्पीड भी बढ़ाई, रोड की रनिंग स्पीड और ट्रैक्टर के तुलना में स्पीड बढ़ाई है इसकी। बस मेन जो बीच का जो ज्वाइंट है ना इस क्लच प्लेट के साथ, ये इससे दिक्कत आई छोटी भाई, में प्रॉब्लम आओ भाई। अच्छा, पूरी एडजस्ट करने में टाइम सेट करना पड़ा है ना। अच्छा अच्छा, फिलहाल अभी इसमें और के। अच्छा, ये लंबाई बढ़ गई है इसकी 6 इंच, आधा फुट बढ़ दिया भाई इसकी। अच्छा, आधा फुट या 6 इंच है पूरी, 6 इंच। हाँ, 6 इंच बिना पूरी लगभग। अच्छा, यह लंबाई बढ़ी है बस इसकी। हाँ, बस यही बढ़ी है भाई। जो किसान की डिमांड थी भाई 90 HP+ होना चाहिए और सारा शो के अंदर होना चाहिए, उसके दादा ही ने सही है भाई। 99 मॉडल है ट्रैक्टर। अच्छा, 99 मॉडल है। अच्छा, यो भाई ने जो अपना रखना ही था। हाँ, रखना ही है भाई ने, खेती बाड़ी तो वही कर रहा है उन्होंने भाई, शौक है मैंने ट्रैक्टर का। बोले तो इसने 90+ कर दे, 90 HP दे। इस पर पहला था 33 HP का इंजन था भाई, 3 सिलेंडर। अच्छा, इसमें गियर बक्से में भी चेंज करे आपने? गियर बक्से में भी चेंज कर रखा भाई थोड़ा इसका, मतलब मेन सपोर्ट हैवी लगा दी, हैवी लगाई है भाई मेन सपोर्ट, और चाल भी बढ़ा दी ट्रैक्टर, चाल बढ़ा दी थोड़ी। जो भी ट्रैक्टर और किसी ट्रैक्टर चाल बढ़ानी हो तर बढ़ जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं आ, कोई दिक्कत नहीं। जमींदार में कुकर चलाओ, जमींदार में कुकर, पर जमींदार में चलाओ या रोड पे चलाओ वो और के हिसाब पर डिपेंड कर रहा है कितनी चाल बढ़ानी है कितनी नहीं। अच्छा, मतलब इंजन के हिसाब से, जितना बड़ा इंजन हो उस हिसाब से चाल, क्योंकि इंजन ने दाब भी तो मानना है फिर ज्यादा चाल में, तो छोटा इंजन दाब आओ मानना है बात तो। अच्छा, इसमें आपने रेडिएटर नया लगा दिया है? रेडिएटर भी नया लगा दिया भाई, अभी वो थोड़ा और काम रह रहा है जुगर इस पे, एक पावर स्टीयरिंग रह रहा है। अच्छा, पावर स्टीयरिंग भी करा, पावर स्टीयरिंग भी होगा, और एक साइड में सपोर्ट देनी रह रही है। अच्छा, यहाँ तो पीछे सपोर्ट किस कारण हो क्यों रहा है ट्रैक्टर ये है जुगर भाई साहब, टोचन करना आ जाए फिर ट्रेली में आगे तो उठ कपड़ा है। हाँ। वाइब्रेट नहीं हुआ इसमें। अच्छा, मतलब इसमें जोर भाई, एक आदमी जोर पहले चला 33 HP चला होगा, 100 HP का, 100 HP का तो फर्क तो पड़ेगा उस चीज में, थोड़ा लापरवाही हो उसके। और कुछ चेंज होया इसमें? इंजन में चेंज कराया भाई। नहीं, इंजन के अलावा और कुछ चेंज होया इसमें अभी? ना, और कुछ चेंज नहीं हुआ भाई। अच्छा, 4 सिलेंडर इंजन लगा दिया आपने? 4 सिलेंडर लगा दिया इंजन में, तो ये है जो रोटर पंप है। इसमें पहले 85 का था, 105 का करवा रखा है। अच्छा, रोटर पंप 105 HP का अल्टरनेट, उसके हिसाब से लगा दिया रोटर पंप खोल गया। अच्छा, दूसरा लगा लगा पंप। हाँ, दूसरा लगा दिया, पंप दूसरा लगा दिया। ना ना, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये यहाँ इंजन की स्पोर्ट इसमें दे दी, मजबूती में कोई कमी नहीं छोड़ी, एकदम कंपनी फिटेड की तरह होगा भाई, पैंट फूंट होगा अगले ना अभी तो खरा वो चीज है, जैसे ये खुले खुले में इसलिए दिखा रहे हैं लोगों जमींदार को, क्योंकि ये चीज आराम से दिख जाएगी। शो के बाद तो फिर बहुत कुछ बदल जाता है इसमें, तेल की माइलेज वाई है प्रदीप भाई, ये भी होता है जो आएगा दूसरे में 12-13 हजार RPM बचा ले जाएगा। हाँ, वही है, 2.25 पे रोगा 16 हजार में। ना ना, वो तो ठीक है ठीक है, वो तो चीज़ एक अलग है। सही हो बता, इसमें अल्टरनेशन बाकी है, बाकी शो में अंदर आने से यो भी बदलना पड़ेगा आपने तो। मैनिफोल्ड बना दूंगा ना इसका। अच्छा, जब मैं एयर मैनिफोल्ड दूसरा बना जाएगा इसका, सीधा तैयार कर दूंगा इसका, सब कुछ शो के अंदर अंदर आओ।
अच्छा अच्छा ठीक ठीक अच्छा ये इंजन ऑयल चेक करने दी है और ये बाकी पाइप हुई सारी बाकी ये भी सही लगा है एकदम यार वाकई चढ़ेगा अलग अलग शायद दिखे देख लगा तो ठीक से पर लेकिन जब हम शो लगाओगे ना तो ये टच होगा उसके ना तो मैं इसने नुका नुका रखने की सोच रहा था यार एयर क्लीनर सेट हो जाता अपना नुका नुका थी ना सही करे यहाँ ही एयर क्लीनर लग जाता अपने वो टेंशन खत्म जैसे ड्राई लगा लेते बाकी चैम्बर में अच्छा तेल आ जाए यार इसमें तो ट्रैक्टर का सही है ये इंजन में तो इसमें 7.5 लीटर तेल आ जाए भाई 7.5 लीटर तेल आ जाए ना सही है अच्छा ये राड बढ़ा ये बढ़ानी पड़ेगी जिस तरह जरूर चाल कटाई कुटाई में अच्छा प्रेशर से स्टीयरिंग बनाओ तब देखा पावर स्टीयरिंग बनाओ और बस इसमें गियर बक्से में थोड़ा चाल बढ़ाई इसकी है हाँ, चाल बढ़ाई थोड़ी इसकी टायर साइज वो रख दिया भाई ने 13 का ना शायद 13/6/28 का 13/6/28 का टायर 16 डिस्क की एरो इसने एक बार स्टार्ट कर ले न्यूट्रल कर लिए न्यूट्रल है और तो कुछ भी चेंज नहीं इसमें और तो सारा वो एक हफ्ते का टाइम दिया रे एक हफ्ते में कर दिया रेडी तीन दिन में फिक्स कर दिया एक दो दिन में आज तीसरा दिन है चलो कोई नहीं है वो तो अभी यो तो खैर सेटिंग के ऊपर है कि नहीं जल्दी सेट हो जाएगा भाई टाइम पे काम करेगा अगला भी आदमी भी मानना का हां ठीक है टाइम पे काम कर दिया बैटरी लगा ढंग से बैटरी लगा तार लगा ढंग से तारा में दिक्कत है
1200-1500 रुपये में चल रहा है ट्रैक्टर, खाए गए दूसरे में। कितने स्कॉर्पियो हो गए हैं? 1200-1200 हो गए। 1200 और नॉर्मल चल रहा है बिल्कुल। नॉर्मल चल रहा है तो 1 लीटर की एवरेज पड़ेगी 16 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
चलो कोई नहीं भाई, नंबर तेरा मैं वैसे नीचे भी डाल दूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर नीचे डिस्प्ले नंबर भी देख लियो भैया, ये था भाई जैसा भी आप लोगों के सामने, जैसी वीडियो तो कमेंट कर जरूर बताना, वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।